तिवारी का बच्चा मेरे अन्नू को मार देगा, तिवारी का बच्चा मेरे अन्नू को मार, तिवारी का बच्चा मेरे अन्नू को मार देगा। लौंडे पुलिस दरोगा जी आ गए। दरोगा जी वो अन्नू। अरे ठहर जा यार, तो काय चची आ रहे हो? वो तिवारी का बच्चा अन्नू को मार देगा, he's trying to kill her, please। गोरी मैम की जान खतरे में, सारे तिवारी को एनकाउंटर कर देंगे लेकिन गोरी मैम को आंख नहीं आने देंगे। अरे दरोगा जी यहाँ खड़े होकर पकलोली मत कीजिए, जाइए अंदर बचाइए बच्ची को। हाँ चलो चलो आइए आइए। लौंडे लौंडे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कच्चे बन्यान के घर में कभी एंट्री नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दो, भले कुछ भी हो रहा हो, भले तुम्हारी बीवी का खून हो रहा हो, मैं नहीं अंदर जाऊंगा। प्रतिज्ञा गई भुइयों के खेत में। तिवारी पता नहीं भाभी जी को अचानक क्या हो गया। पानी लाओ, पगली पानी लाओ। बेहोशी में भी भाभी जी कितनी नमकीन लग रही है। नहीं पानी ही मंगाया था पगली, नमकीन तो हम भाभी जी को। ठहर जा, कोई अपनी जगह से नहीं अलगो। लौंडे अंदर क्या हो रहा है? लौंडे अरे कहाँ हो, क्या गया? तिवारी के बच्चे, तू मेरे अन्नू को जान से मारना चाह रहा था, जान से मारना चाह रहा था, और क्यों नहीं आओ? ससुर तुम आए, ससुर सब पत्ते खोल गए हैं। तुम जो बताओ, दो औरतों को पहले कत्ल कर चुके हो, अब हमारी गोरी मैम को निपटा रहे हो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ो चलो। अरे यार ये क्या बेतु की बातें कर रहे हैं, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेतु की बातें तो तुम कर रहे हो तिवारी। अरे संभाली। अरे हमें तो जो ताज्जुब लग रहा हुआ है ससुर, कि इतना खतरनाक मुजरिम हमारे बीच में सांस ले रहा हुआ है और हमें पता तक नहीं है। अरे यार अब क्या बात क्या कर रहे हैं यार, अब हमारी बात तो सुनिए। अरे अब सुनने के लिए क्या रह गया है? तेरा ये खूनी खेल खत्म हो चुका है, घटिया आदमी खत्म हो चुका है। अरे मुझे एक बात तो बता कि मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, वो कितना प्यार मैंने उसके हाथ इसलिए पीले किए थे कि तू उसके हाथ खून एक मिनट बात कर रहा हूँ तू उसके हाथ खून से रंग दे। डैडू आप जब भी आते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत लेकर आते हैं। अरे हम ऐसा कौन सा खूनी खेल खेल रहे थे? अच्छा जी, जो रोजाना एक औरत को निपटा रहे थे वो खूनी खेल तो क्या था, वो ताश का खेल था। और तो और हमारी गोरी मैम को निपटा रहा हो तो है? वो तो धन्य है अपने अंकल जी को, जिन्हें टाइम पे हमें बता दी, सारी जानकारी दे दी और हम टाइम पे आ गए। नहीं तो हमें लग रहा जो आदमी कानपुर को औरतों से भीम कर दे तो। ये बकवास बंद कीजिए अपनी, हमसे गुस्सा दिखा रहा हूँ, नली डाल देंगे मुंह में हम। बोल दे नली डाल देंगे सामने। भाभी जी, जिस आदमी ने आपके हाथों को खून से रंगा है और जो आदमी मेरी अनु का खून करने जा रहा था, आप उसको सपोर्ट कर रही हैं? अरे 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 विभू क्या बोल रहे हो, कौन मेरा खून कर रहा है, किसने मेरा खून कर दिया, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, अखामत और रायता फैला दिया है। अरे रायता फैलाने में तो तुम्हारे डैडू का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अरे जाओ जाओ कच्चा बनियान, तुम अगर दही जमाओगे तो उसके बाद मुझे बात करने दो ना, तुम अगर दही जमाओगे तो रायता तो फैलेगा ना। दरोगा जी ले जाओ और लटका दो इसको सूली के ऊपर। डैडू अगर लड्डू की भैया को सूली पे लटकाएंगे तो हम लोग कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे? भाभी जी मैं हूँ ना, और फिर अनु भी तो है। अरे दादा, अरे तेरी सारे ये सब कहाँ नौटंकी चल रहा है, हैं? आइए आइए संदन जी, और देखिए आपने सपूत की करतूत। देखो ना अम्मा, ये सब मिलकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम खूनी हैं। अरे चुप कर कच्चा बनियान, मैं कहता हूँ कि आदमी खूनी है, लूनी है, पूरी एक बात कर रहा हूँ ना, ये खूनी है, ये खूनी है, ये लूनी, ये खूनी है। समधी जी पैजामे में रहिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाया आपने हमरे बिटुआ पे, हम मानते हैं कि
हमारा बेटा बैल है, वो कच्चा बनियान का बिजनेस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का भी खून कर देगा। और एक बार हमने बिटुआ पे दोष लगाने से पहले अपने बनियान पे झांक के देखिए। मैं कच्चा बनियान नहीं पहनता। तो क्या हम पे एहसान करते हैं? अपने गिरेबान पे झांकिए, ये हमारी अंगूरी बिटिया कौन औरत का खून नहीं करी है। तो फिर अम्मा जी, ये किसके खून की बात कर रहे हैं? किसने किसका खून कर दिया? अब बिटिया वो तो पुतला का मर्डर करे है ना गोरी बिटिया। ये सब टोटका है, टोटका। आंटी जी, कौन सा टोटका? अरे नल्ले, वो हमरे पंडित जी कह रहे हैं कि हमरे बहुरिया के कुंडली में 3 दोष है। वो दोष को दूर करने के लिए 3 उपाय बताए थे कि 3 मदर करेंगे तो फिर वो दोष दूर हो जाएगा। और ये भी बोले कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर इसका असर नहीं होगा। लेकिन ये नल्ले ने और ये हमारे समधी जी ने इतना सारा रायता फैला के रख दिया। बताओ ससुर, ते गोदा गादी चल रही है, हमारा टाइम ससुर फालतू में बर्बाद कर दो। विपुल, वेरी सिली। अंकल जी, आप भी निकलिए। लौंडे, एक मिनट। मैं पुतला समझ गया, टोटका समझ गया, गोदा गोदी समझ गया, लेकिन तुमने ये अंगूरी के घर में CCTV कैमरा लगवाया क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अंकल जी, थोड़ी चलेगी। अंगूरी, कहाँ है? हम टीवी देख रहे हैं ना। अच्छा, टीवी पे क्या देख रही हो पगली? और लड्डू के भैया, आज 31 डिस्टेम्पर है ना? वो डिस्टेम्पर नहीं, दिसंबर होता पगली। सही पकड़े हैं। तो आज हम नया साल मनाने बाहर कहाँ जाएंगे? तुम एकदम बच्चों जैसी बातें करती हो पगली। अरे नए साल पर बाहर रात गुजारना, इतना सारा खर्चा करना, ये बहुत ही बचकाना बातें हैं। क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया? सही बात कर रहे हैं पगली, बल्कि नए साल पर तो हमको बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए कि आने वाले साल में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ठीक, बाप कहीं ना ही जा रहे, घर पर ही है। अरे कहाँ जाएंगे पगली, में घर पर ही रहेंगे। ठीक है, फिर हम अम्मा जी को। अरे तुम जब देखो तब अम्मा जी को फोन लगा देती हो। हम फोन ना ही लगा रहे हैं। अम्मा जी हमको खुद फोन किए थे और बोले कि आज नए साल के मौके पर हम पूजा कर रहे हैं, तो तुम वहाँ आ जाओ अंगूरी। अच्छा, तो तुम फिर अम्मा जी क्या जा रही हो? हमको बुला रही है, तो हमने उनको होल्ड पे रखा है। वो होल्ड पे नहीं, होल्ड पे रखना होता पगली। सही पकड़े हैं। हम जानना चाहते थे कि आपका प्रोग्राम का है, तो आपका कोई प्रोग्राम ना ही है, तो हम अम्मा जी के पास चले जाएंगे। अरे हमारा क्या प्रोग्राम होगा, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तुम अम्मा जी के यहाँ जाओ, हम घर में ही रहेंगे। ठीक बा, फिर हम अम्मा जी को बोल देते हैं। ठीक है, बोल दो। कभी भी पैसे खर्च करने का बात आता है तो कहते हैं कि पगली अच्छे सी बातें मत करो। ठीक है, अब ये पगली अम्मा जी के यहाँ जाएगी और हम भाभी जी के साथ नया साल मनाएंगे। ये वो फिनाइल कम डालो ना, कितनी स्मेल आ रही है। 2 में तुम बॉटल खत्म कर देते हो, फिर लाना पड़ता है मुझे। हाँ, डाली ही नहीं है मैंने। हेलो। अरे मीनल, हाँ भाई, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। नहीं यार, इस बार कोई प्लान नहीं है मेरा। अरे तुम लोग आगरा पहुंच गए, ताजमहल देखकर सेलिब्रेट करने वाले हो? चलो चलो, करो एंजॉय। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं आऊंगी, तुझे तो पता है मुझे सर्दी बिल्कुल सूट नहीं होती, मेरी नाक बहने लगती है, फिर मेरा मेकअप निकल जाता है, मैं अच्छी नहीं लगती।
हाँ हाँ भाई चलो एंजॉय, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से एडवांस में। ओके ओके बाय बाय। व्हाट्स अप बेबी? अरे विभू कुछ सजेस्ट करो ना आज रात को क्या करें। 31 दिसंबर कितनी जल्दी आ गया। नहीं ये साल कितनी जल्दी गुजर गया। हाँ। ऐसे आया और ऐसे चला गया। यार लास्ट ईयर हमने क्या किया था? आई डोंट रिमेम्बर। It was quite fun, you know, wet and wild kind of stuff. I really enjoyed it, yeah. जी, wet and wild. सासु माँ ने 31 दिसंबर की रात को 12 बजे ठंड में मुझे गंगा जी में डुबकी लगवाई थी। मुझे सर्दी हो गई थी। नए साल की शुरुआत मैंने सर्दी और खांसी के साथ की थी। Actually क्या है ना डार्लिंग, वो मम्मी का मानना यह है कि अगर 31 दिसंबर को रात को 12 बजे गंगा जी में डुबकी लगाई जाए तो कामयाबी आपको प्रफ्यूजली चूमती है। कभी कभी नहीं भी चूमती। हाँ इस साल मेरा गंगा जी में डुबकी लगाने का कोई इरादा नहीं। इस साल कुछ डिफरेंट करते हैं ना विभू, मैं और तुम कैंडल लाइट डिनर करते। अरे यार अगर ये मुझे कैंडल लाइट डिनर लेके जाएगी तो मैं भाभी जी के साथ नया साल कैसे मनाऊंगा यार। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, सांप क्यों सूंघ गया? डार्लिंग तुम बड़े अनसोशल हो, थोड़ी सोशलाइज करो। मतलब ये क्या, 31 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जहाँ आप नेबर्स रिलेटिव्स पड़ोसी पड़ोसी मिलकर ये दिन मनाते हैं। अब यार क्या अकेले अकेले, और कैंडल लाइट डिनर तो हम कभी भी कर सकते हैं। Am I right? हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने पड़ोसियों के साथ सेलिब्रेट करें, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन विद मी। हाँ नो यू ग्रेट रियली आई मीन इट। मैं भी तिवारी जी को और भाभी जी को इनवाइट करके आता हूँ। देखो आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज मैं बनाऊंगी। वाओ इट्स लाइक डबल इंपैक्ट। हां बेबी अनटाई मी जस्ट द एप्रन। हां ऑलराइट सी यू लेटर। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं, क्या मजा आएगा न्यू ईयर बनाने भाभी जी के साथ रात को 12 बजते ही। अरे मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। क्यों, भाभी जी के लिए कलाकंद लेकर आ रहे हैं क्या? ओ अभी यही मौजूद हैं। यही मौजूद है मतलब हमें क्या कहीं और मौजूद होना चाहिए था? नहीं इस वक्त तो आप वहां जाते हैं ना, अपना खोखा जो है आपका दाल मंडी में, वहां बैठते हैं ना। खोखा? हाँ वो कच्चे बनियान का। आप दूसरे के धंधे की इज्जत नहीं करते ना, इसलिए भगवान ने आपको बनाया बेरोजगार नल्ला। यार क्यों सुबह सुबह मुंह लग रहे हैं आप? यार सुनिए आज 31 दिसंबर है और अनु चाहती है कि 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर सबके साथ मनाए। इसलिए वो सबको बुलाना चाहती है और अपने हाथ से कुछ खाना बनाना चाहती है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात, खूबसूरत आइडिया है। कहाँ मनाना चाह रही है भाभी जी नया साल? अपने घर में ऑफ कोर्स, और कहाँ। अच्छा तो आप तो प्रेम चौधरी के साथ वहां बार में है ना, वहीं मनाएंगे नया साल। बड़े घटिया बड़े छिछोरे किस्म के आदमी आप, बाय गॉड। मैं न्यू ईयर अपनी वाइफ के साथ मनाऊंगा, जहां मेरी वाइफ होगी वहां मैं आऊंगा। अच्छा तो आप भी रहेंगे? आप ही रहेंगे से मतलब हम ही रहेंगे, समझे आप? हमें लगा सिर्फ हम और भाभी जी रहेंगे। चलिए ठीक है फिर आ जाएंगे। सुनिए सुनिए वहां पे कपल एंट्री है, भाभी जी को लेके आइएगा वरना आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। अंगूरी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? अरे भाई वो हमारी अम्मा के यहाँ गई है नया साल मनाने। सत्यानाश। क्या कहा आपने? तो फिर आप नया साल किसके साथ मना रहे हैं मिस्टर तिवारी? किसके साथ मना रहे मतलब? अभी अभी तो आपने कहा कि आपके साथ मना रहे हैं नया साल। हमने कब कहा? अरे बड़े झूठे आदमी है यार आप, आपने अभी अभी तो कहा कि हम सब मिलकर मनाएंगे नया साल। हाँ यू राइट, मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया था लेकिन अनु चाहती थी। अनु मतलब भाभी जी चाहती थी मतलब? अभी अभी आपने कहा कि भाभी जी ही चाहती थी। क्या है कि अनु चाहती थी लेकिन बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर दिया।
उसने कहा कि आप let's not call all these फालतू people. विभू तुम और मैं साथ में न्यू ईयर मनाएंगे. तो आप क्या फालतू की बकलोली करने आ गए हमारे साथ? क्या हमारे घर आइए, भाभी जी खाना बनाएंगी, फलाना ढिमकाना. तिवारी जी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. घोइया हैप्पी न्यू ईयर. जाइए यहां से, जाइए. कलाकंद दिखा के मुंह में झांकर डाल गया. हाँ मामा, हैप्पी न्यू ईयर. नहीं नहीं मामा, इस बार कोई प्लान्स नहीं, इस बार हम सोच रहे हैं घर पर ही रहें. अच्छा अच्छा मामा, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. ओके ओके, बाय बाय. अच्छा विभू, तुमने इनवाइट कर दिया अंगूरी जी और तिवारी जी को? हाँ मैंने इनवाइट तो कर दिया, लेकिन भाभी जी अपने उस पहाड़ मतलब अपनी सासू के साथ न्यू ईयर मनाएंगी. ओहो, तो तिवारी जी नहीं गए उनके साथ? नहीं. चलो कोई बात नहीं, हम तिवारी जी के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे. मैंने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन कहने लगे मेरी कोई और सेटिंग है. सेटिंग? उनकी क्या सेटिंग है यार? ये सच अ चीप मैन. वो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो गुलफान कली का वो कह रहे हैं कॉन्सर्ट है. अरे क्या कॉन्सर्ट है, नाचने गाने का वो प्रोग्राम होगा, सब खाएंगे पिएंगे. द चीप मैन. तुम क्यों इतना उछल रहे हो? अगर मैं नहीं होती ना तो तुम भी उनको कंपनी दे रहे होते. एक्सक्यूज मी, अगर तुम ना होती ना तो न्यू ईयर मैं तुम्हारी फोटो के साथ मनाता. रियली? यू आर नॉट बाइंग इट? नो. मैं सच कर रहा हूँ डार्लिंग, मैं तुम्हारी फोटो से लिपट के चिपक के हैप्पी न्यू ईयर मनाता. फोटो को छोड़ो ना विभू. तुम्हारे सामने मैं जीती जागती बैठी हूँ, सबसे पहले मेरे साथ मनाओ. ऑफ कोर्स आज रात को तुम्हारे साथ इतना जबरदस्त हैप्पी न्यू ईयर मनाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रखोगे. नो, तुम नहीं मनाओगे. मैं नहीं मनाऊंगा तो कौन मनाएगा? मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा यूपी का छटा हुआ बदमाश गुंडा. गुंडा कल्लू. अरे ओके, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे छोड़ के, इतने हैंडसम से हस्बैंड को छोड़ के तुम एक कल्लू गुंडे के साथ न्यू ईयर मनाओगी? दिस इज रिडिकुलस. और ये नहीं पूछोगे कि वो कल्लू गुंडा कौन है? कल्लू गुंडा तुम बनोगे. Got it. बड़ी नॉटी हो रही हो तुम. Sort of. ये आइडिया अच्छा है, दिस इज अ गुड आइडिया. इसको करेंगे बाद में, कभी करेंगे. लेकिन यार क्या, नॉट ऑन न्यू ईयर्स यार. आई मीन दाढ़ी मुझसे बड़ी इरिटेशन होती है यार. कम से कम न्यू ईयर्स के रोज तो बख्श दो ना यार. आज के दिन तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगी. आज के दिन तो मैं अपना न्यू ईयर कल्लू गुंडे के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी. देखो वो जो यूपी के छटे हुए बदमाश छिछोरे गली के गुंडे होते हैं ना, उनकी एक अपनी अपील होती है, अपनी स्टाइल होती है. अब तो मैं कल्लू गुंडे के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी. हाँ अब तो तुमने जिद पकड़ ली है, अब तो कल्लू ही आएगा. ऑफ कोर्स. ठीक है, मैं जरा कॉस्ट्यूम का इंतजाम करके आता हूँ. तो मत आना. तो कौन आएगा? अगर आना तो सिर्फ कल्लू गुंडा बनकर आना. या शो सिर्फ पकड़ लेती हूँ. See you soon. या. अरे मीनल, तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं? आप सुनो मेरे न्यू ईयर प्लान्स. इस बार मैं न्यू ईयर मनाने वाली हूँ बहुत ही सुपर एडवेंचरस और एक्साइटिंग तरीके से. अरे नहीं नहीं, इस बार विभू के साथ कौन न्यू ईयर बनाएगा? इस बार तो मैं स्पेशल किसी के साथ न्यू ईयर बनाने वाली हूँ. भाभी जी भगवती जी के साथ नया साल नहीं मना रही है, तो फिर किसके साथ मना रही है? मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी. चाहे आज तू कुछ भी कर ले, आज मैं तुझे नहीं बताने वाली कि इस बार मैं न्यू ईयर किसके साथ मनाने वाली हूँ. भाभी जी बताइए ना किसके साथ, हमारा तो दम होठों पर आ गया. नहीं नहीं, कर ले, गैस कर ले. बहुत ही एडवेंचर होगा, मजा होगा, एक्साइटमेंट होगा. ठीक है भाभी जी, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम पता लगा के दम लेंगे.